बोलिए सदगुरुदेव की साहिब। मैं अपनी बातचीत वहीं से प्रारंभ करूंगा जहां से छोड़ी थी। बंधुओं, साहेब ने संसार की असारता और परम लोक के तथ्यों का वर्णन बड़े सुंदर तरीके से हजारों स्थान पर किया है। मिथ्या कर विचार और नवा सृष्टि सृजनहारा, बोला आप किस चीज की उपासना कर रहे हैं? ये सब जंजाल तो माया है। सूक्ष्म स्थूल पवन नहीं पावक रवि शशि धरण तारा। हम सब बचपन से ही इस सृष्टि को देखे हैं, हमारी कल्पना में भी ऐसा ही है, पर वो कहन सुनन से नहीं आ रहे हैं। ज्योति स्वरूप काल नहीं हुआ, यहां वहां काल नहीं है। हजारों जगह पर साहब ने इसका उल्लेख किया है। वचन न आए शरीरा, ये जिस्म नहीं, देह धरे का दंड है, भुगतत है सबको। ज्ञानी भुगतत ज्ञान से, मूर्ख भुगतत रोए। कर्म धर्म कुछ वो नहीं हुआ, वहां ये नहीं है, ना वह मंत्र न पूजा। ये सब पंचभौतिक स्थूल सृष्टि की चीजें हैं, आर्टिफिशियल है, वो इनसे परे है। गोरख राम एको नहीं हुआ, ना वह वेद विचारा, वहां ये सब कुछ नहीं है। हरिहर ब्रह्मा नहीं शिव शक्ति, ना वह तीर्थ अचारा। बरबस जो आदमी पहली बात ये बात सुनेगा तो बड़ा नास्तिक कहेगा साहेब को और हमें, पर उस देश का ये संदेश साहेब ने बड़ी बारीकी से हर जगह पर दिया है। माए बाप गुरु जाके नाई, सो दो दूजा अकेला, एक कहूं तो है नहीं, दो कहूं तो गार है, जैसा तैसा रहे कहे कबीर विचार। अनुपम है। देखो हृदय विचारी को पुरुष को नारी, वो स्त्री भी नहीं है पुरुष भी नहीं है। एक कहूं तो है नहीं, दुई कहूं तो गार है, जैसा तैसा रहे कहे कबीर विचार। सह समाना घट घट बोले, बाकी चरित्र अनुपा। बाकू नाम कहां लग लीजिए, ना बाकी वर्ण न रूपा। भाई रूप वर्ण से परे है, रूप तो चक्षु से ही अनुभव होते हैं दृश्य, इसलिए अब तू बेगम देश हमारा, बिन बादल जहां बिजली चमके, बिन सूरज उजियारा। आगे कह रहे हैं, तह के गए बौर न आवे, बेगम देश हमारा, अवधु ऐसा देश हमारा। तू मैं का करत नल बोरे, का तेरा क्या मेरा। दरअसल अगर थोड़ा सा भी विचार करें, इस संसार में आत्मा का किसी चीज से नाता नहीं है, कुछ आत्मा का है ही नहीं, जो कुछ है सब वो नाशवान पदार्थ है। जगत के जितने भी पदार्थ हैं सभी पंच भौतिक तत्वों से बने हैं, पांचों तत्व एक दूसरे के नाशक हैं, यही माया है। वेद पुराण कुरान कितेबा नाना भांति बखाना, हिंदू तुर्क जैन और योगी ये कल कहो न जाना। क्या बोल रहे हैं हिंदू तुर्क जैनी और जोगी, ये कल कहो न जाना। अब इसको लोगों ने कहा कबीर की उलट बासियां,
जहां से आया वहां से बोला, ऐसा नहीं है। यही बात याज्ञवल्क्य से गार्गी की बातचीत में भी आई है। खड़ दर्शन में जा परवाना, तास नाम मनमाना। खड़ दर्शन जोगी जंगम सेवड़ा कर्मकांडी सन्यासी दरवेश, उन्होंने मरम न जाना। निसंदेह जब ऐसी बातें सामने आएगी तो आदमी का माथा ठनकेगा। कहे कबीर हमई पै बोरे ई खलक सब खलक से आना। बोला जब वहां की बात कर रहा कोई नहीं देता हामी। बोल रहे भाई कोई हामी नहीं देता। आप विचार करें इस मनुष्य ने अपनी सुविधा के लिए वाह हर बार एक नया परमात्मा सृजित हो जाता है। मैं किसी धर्म बरादरी और वर्ग का शत्रु नहीं, न निंदक हूं। दरअसल साच कहो तो मारन धाई, झूठ कहा नहीं जाई, संतो झूठे जगपति आई। साच कहो तो मारन धाई, झूठ कहा नहीं जाई, संतो झूठे जगपति आई। बिन देखे उस देश की बात करे सो कूर, आप तो खारी खाते हैं बेचत फिरे कपूर। अर्थात साहब के शब्दों में अनुपम रहस्य भरा पड़ा है। जब लोग इन तथ्यों को नहीं समझे तो कहा छोड़ो ये कबीर भावरा आदमी था, जो आया जहां से आया जैसा आया बोल दिया है ना। तो साहब ने जो कहा वो बहुत विचार कर कहा, सूझ कर कहा, देख कर कहा और बूझ कर कहा। साहब के अनेक शब्दों में उस देश का वर्णन आया है। मैं एक उदाहरण दूंगा थोड़ा। ऐसे पद साहब के अंदर जाने कितने हैं, कह लग कहूं जुगन की बाता, भूले ब्रह्मा न चीने बाटा। जब ये शब्द कोई सुनेगा तो कहेंगे अभी आया कलयुग में कबीर और अटपटा ही बोला है। ऐसा कुछ भी नहीं है। साहब ने जो तथ्य बोले, जो चीजें बोली बड़ी मार्मिक है। अभिगत की गत कहो न जानी, एक जीभ से कहो मखानी आदि ये शब्द जो साहब के हैं ये एक संदेश दे रहे हैं। इसलिए उन्होंने उनको जो संज्ञाएं दी है बड़ी अद्भुत है।
हर नया नया परमात्मा लोग अपने हितों के लिए सृजित करते हैं। भाई ने दो जगदीश कहां से आया, ये दो परमात्मा कैसे है, कहो कौन बोराया, ये किसने पागल कर दिया है। अल्लाह राम रहीम करीम है, हरि हजरत नाम धराया, अल्लाह राम करीम केशव सेवक हरिहर हजरत आदि नाम धराया। गहना एक कनक थे गहना, या में भाव न दूजा, जैसे मिट्टी से घड़ा बनता है उसको घड़े की संज्ञा दी, सुराई बनती है उसे सुराई की संज्ञा दी, लेकिन है तो मिट्टी ना, ऐसे ही सोना है, उसको चाहे कंगन बनाओ, हसली बनाओ, नथनी बनाओ, धातु तो सोना सोना है। कैन सनन को द्विकर थापे, एक नमाज एक पूजा, कहने सुनने के लिए दो करके थापे। मैं अक्सर एक एग्जांपल देता हूं, जब देश आजाद हुआ तीन पार्टी थी भारत में, बाकी कोई पार्टी नहीं थी, कांग्रेस जनसंघ और कम्युनिस्ट। पहला चुनाव हुआ था, गांव गांव में घूम रहे थे कम्युनिस्ट वाले, बोल रहे थे ये हसुआ देखो किसान है इसलिए हम सब किसानी करते हैं, उनके लिए ये पार्टी है। जनसंघ बोल रही थी हम राष्ट्रवादी लोग हैं, राष्ट्र को मजबूत करना है। कांग्रेस बोल रही थी हमने स्वतंत्रता दिलाई है इसलिए हमें वोट दो। चलो कोई बात नहीं, मैं राजनीति में हुई नहीं ना, बात ही वहां खत्म हो जाती है, किसकी आलोचना करूं, किसको स्थापित करूं। मैं मेरे कहने का भाव है आज ये कितनी पार्टियां है, हजारों पार्टी अपनी अपनी महत्वाकांक्षा को पूर्ण करने के लिए लोगों ने अलग अलग पार्टियां इनमें से निकल कर बनाई। इस तरह ईश्वर तत्व को लोगों ने अपने हितों के लिए अनंत ईश्वरवाद फैला दिया। साहब कह रहे भाई रे दुई जगदीश कहां से आया, कहो कौन ये भरमाया। वही महादेव वही मोहम्मद ब्रह्मा आदम कहिए, वही महादेव वही मोहम्मद ब्रह्मा आदम कहिए। को हिंदू को तुर्क कहावे, एक जमीन पर रहिए, ये तो एक प्लानिंग है। आप देखो हम सबका मुस्कुराना एक जैसा है, हम सबका दुख सुख एक जैसा है, हम सबकी जन्म लेने की पद्धति एक जैसी है, हम सबकी मृत्यु की स्थिति एक जैसी है। ये अनंतवाद लोगों ने अपने हितों के लिए फैलाया और लोगों को इसमें हिलजा दिया। साहब ने एको ईश्वरवाद को स्थापित किया। को हिंदू को तुर्क का है, एक जमीन पर रहिए, और यही सोच विनाशकारी है। इसलिए वर्तमान में एक धर्म दूसरे धर्म को स्थापित करने के लिए परधर्म को खंडित करता है और मिटाने की चेष्टा करता है। ये है कार्ल मार्क्स ने एक बात कही थी, मैं कम्युनिस्ट भी नहीं मार्क्सवादी भी नहीं हूं, बोला मैं जब भी किसी धर्म स्थान को सड़क पर देखता हूं मेरी इच्छा होती है उसे उड़ा दूं बम से। क्यों? बोला ये इंसानों को बांट देता है। ठाकुर द्वारे ठगे रहते, तीर्था में धावड़ी रहते, ठाकुर द्वारे ठगे रहते, विच मसीदा कूसती रहते, आशिक रहन अलग। बुल्ले शाह बोल रहे हैं तीर्था विच धावड़ी ढके, ठाकुर द्वारे ठगे रहेंगे, हाँ ठाकुर द्वारे ठग बैठे, विच मसीदा कुश्ती। वाह,
अब बुल्ले शाह को क्या कहें, आशिक रहन अलग बोला जो उसके प्यारे हैं वो अलग रहते हैं, इनसे दूर रहते हैं। वेद किताब पढ़े, वे कुतबा, वे मौलाना, वो पांडे, वैगर वैगर नाम धराए एक माटी के भांडे। कभी कहे कभी ये दोनों भूले, राम है कितों ने पाया, वे खसी वे गाय कटाए, बदही जन्म गवाया। सबका शरीर नाद बिंदु से बना, माटी का घट साज बनाया, नादे बिंदु समाना, घट बिंदु से का नाम धरेंगे, हमक खोज बुलाना। हे मनुष्य तू सोच, सबकी देह की रचना रज और वीरज से, अस्थियां सेम है, हंसना रोना सेम है, सुख दुख सेम अनुभव करते हैं, सर्दी लगती है, प्राकृतिक नियम हम सबके लिए बराबर है। ये पूरा झंझावट लोगों ने अपने हितों के लिए किया। एक है तुझा हार्ड मन मूत्रा, एक रुदर एक गुदा, सबका शरीर अस्थिमान से बना हुआ, और रुद्र और रक्त से शरीर का सृजन है। एक बूंद से श्रेष्ठ रची है, को ब्राह्मण को शूद्रा। अब विचार तो करें, तर्कयुक्त कितनी वाणी है साहेब की। रजगुण ब्रह्मा, तमगुण शंकर, सदगुण हरि सोई, कहे कबीर राम रमिय हिंदू तुर्क न कोई। किसको कहता तुर्क व हिंदू, मां का रज पिता का बिंदु, ना कोई तुर्क नहीं कोई हिंदू। जब ये विचार सामने आ जाएंगे ना, तो आदमी थोड़ा गंभीरता से सोचने लगेगा। बंधु, इस तरह साहिब की वाणी बहुत गंभीर है। भव बालक भग द्वारे आया, भग भोगी के पुरुष का आया। सबका जन्म मलमूत्र के द्वार से हुआ, रज बीरज की सबकी देही है। अभिगत की गति कहो न जानी, एक जीव कित कहो बखानी। कहे कबीर पुकार के इले ऊ व्यवहार, एक नाम जाने बिना भूल हुआ संसार। निसंदेह ये वाणी इंसान की चेतना को जगाती है और सोचने के लिए विवश करती है। मैं आपको अनंत उदाहरण साहब की वाणी के इस तरह के दूंगा। मनुष्य जब प्रकृति में उलझा तो बस वो यही चीजें सीखा। बचपन में जो जो हम भाषा बच्चे को सिखाते हैं वो उसके चित्त में अंकित होती है, जो जो नियम बताते हैं। मुझे एक भाई आई, कहने लगी गुरुजी ये मेरा लड़का मुझे बड़ी गालियां बकता है, कुत्ती गधी बेहया बेशरम बहुत अनाप शनाप बोलता है। मैंने बोला देखो माता, इसका कोई दोष नहीं है, ये छोटा सा बालक है, यही सब चीजें तुम्हारे पति तुम्हें कहते होंगे, तो इसने सोचा होगा इसको यही बोलो। चलत चलत अति चरण प्राणा, वाह चलते चलते पैर थक गए, हार पैर तह अति ऋषियाना, गण गंधर मुनि अंत न पाया, हरि अलोक जग धंधे लाया। वाह, गण गंधर ऋषि मुनि आदि अंत नहीं पाए और अपना अपना बिजनेस चला दिया संसार में,
जब ये बातें कहोगे तो सहज वो बेचारा जो भूला श्रद्धालु है कहेगा ये तो भगवान की निंदा कर रहे हैं ना। सभे लोग जय ढाइया अंधा सभे बुलान कहा कोई नहीं माने सभे एक माह समान। कहे कबीर मैं किसको समझाऊं, कहे कबीर मैं किसको समझाऊं, सब जग अंधा सबको लगलबा पिटवा का धंधा। एक दुई होए ताए समझाऊं, सभी बुलान है पिटवा का धंधा। चंद चकोर की इस बात जनाई मनुष्य बुद्धि दीन पलटाई। चार अवस्था सपने कहिए तो जाए तो जाए काम, मनुष्य चारों अवस्था में घूम रहा है, जागृत स्वप्न सुसुप्ति तुरिया। तुरिया में देवलोक है, और जागृत में मनुष्य है, स्वप्न अवस्था में वृक्ष आदि है, जीव पतंग है। ये चारों माया की अवस्था है। सपना देखने वाला चाहे कितना भी इंटेलिजेंट है उस समय सपने को सच मानेगा, ये माया का जादू है। और जब गुरु नाम देता है ये जादू तोड़ता है। आप उदाहरण दे, उदाहरण देता हूं, गांजे का नशा बड़ा खतरनाक है, गांजे का नशा बड़ा खतरनाक है, शराब का नशा चढ़ने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन जब चढ़ जाता है ना तो पूरी दिमाग की कोशिकाओं को हिला देता है। भांग का नशा शराब से थोड़ा पहले चढ़ जाता है, जब चढ़ जाता है ना तो पूरी दुनिया ही घूमती नजर आती है और जमीन पर टॉय टिब्बे दिखते हैं। लेकिन जो गांजे का नशा है बहुत खराब है। मैंने एक गांजा पीने वाले से पूछा गांजे का नशा कितनी देर में चढ़ता है, वो अच्छा गंजेड़ी था, उसने बोला जब यूं करके खींचते हैं बस ये चिलम अगर यहां यहां तक भी नहीं आती इतनी देर में चढ़ जाता है। उस गंजेड़ी ने कहा जब उसकी चिलम को यूं पीते हैं ऐसे खींचते हैं चिलम बस यूं किया ना यहां तक आई, यहां तक भी नहीं बस इतने में चढ़ जाता है। शराब के नशे को खटाई चूरन चूर कर देती है, नशा नहीं चढ़ेगा। पर साहब ने एक शब्द कहा भांग मांगे भूगड़ा, भांग का नशा उतारने के लिए चने और सेहत बनती है उससे, गांजा मांगे घी, गांजा पीने वाले को घी की जरूरत पड़ेगी नहीं कमजोर हो जाएगा। शराब मांगे खोसड़ा, मर्जी आवे पी,
घोसला जूते को कहते, तमाचे को कहते। इसलिए मैं नशे पर एक बात बताता हूं, एक बार एक किसान था, वो बहुत ज्ञानमान, गंभीर और शांत था। शैतान लोक के राजा ने एक शैतान को कहा, जाओ इसको गुस्सा करा के आओ। शैतान उसके पास आया, शैतान ने बड़ी कोशिशें की लेकिन उस किसान को गुस्से में नहीं ला सका। जब वापस गया तो शैतान के राजा ने बोला, तुम्हें देश निकाला, जब तक उसको तुम क्रोधित नहीं करके आओगे तुम्हें कोई यहां प्रवेश नहीं मिलेगा। शैतानों का भी लोक है। कुछ समय वहां रहा और एक समारोह में किसान को उसने क्रोधित किया। किसान वहां पर सबको मारने पीटने लगा। शैतान वापस अपने राजा के पास पहुंचा, बोला, मैंने उस किसान को जो शांत सौम्य था क्रोधित कर दिया, अब मुझे प्रवेश दो। बोला, शाबाश, मुझे ये बताओ तुमने कैसे क्रोधित किया। बोला, मैंने शराब बनाई, अब यहां लोग इसको कहते हैं सुरापान, शराब को। सुरापान अमृत है, सुरापान शराब नहीं है, वो शराब भी अपना पक्ष अच्छा रखते हैं, सुरापान तो अमृत है, देवता तो अमृत दिए थे न कि शराब। बोला, शराब क्या बनाया, कैसे बनाया। बोला, उसमें पहले मैंने लोमड़ी का खून दिया, और दूसरा फिर मैं उसमें कुत्ते का जूठा अंश दिया। तीसरा मैंने उसमें सिंह का अंश दिया। चौथा सुअर का अंश दिया। बोला, इससे क्या हुआ। बोला, इससे जब आदमी ये शराब पिएगा तो पहले बड़ी चालाकी की बात करेगा, ऐसा लगेगा कि इससे अकलमंद कोई आदमी है नहीं। आप देखना, मैंने बड़े शराबी देखे, आपने भी देखे होंगे, फौज में 2 दिन हफ्ते में रमडे होता है, आजकल का पता नहीं है, 50 साल पहले की बात बता रहा। मैं उसमें देखता था अच्छे अच्छे आदमी जब ज्यादा ओवर ड्रिंक करते थे बैकी बातें कर लेते, झगड़ा भी कर बैठते थे, और शराब पीने वाला बार बार एक बात कहेगा, मुझे नशे में मत समझना। कुछ आदमी तो यूं कहते, बिना शराब पिए मेरा दिमाग ही काम नहीं करता, यानी उन्होंने एक ऐसी टॉनिक समझा इसको जो दिमाग को खोलती है। ये सब अपवाद है। तो बाद में ये थोड़ा सा फिर शराब का दूसरा जो प्रभाव पड़ता है, भौंक के बहुत बोलेगा, कुत्ते की तरह भौं भौं करेगा। तीसरा जब इसका एक पहलू आ जाता है तो शेर की तरह दहाड़ेगा, कोई भी आ जाए, माई का बच्चा, फलाना ढिकाना, आप देखते होंगे। ये
बोला चौथा जब सुअर का अंश आता है तो नाले में गिरता है, मिट्टी में लोथपोथ होता है और इंसान बेवकूफ बन जाता है। अवगुण कहूं शराब का ज्ञानवंत सुन ले, मानुष से पशुआ करे द्रव गांठ को दे। इसलिए संतत की धारा में इसको बड़ा वर्जित माना गया है। अमल पदार्थ जग में जीते, दुनिया के अंदर जितने भी नशे के पदार्थ हैं, अखज जान के तजिए तेते, सबको मांस की तरह ही त्यागने, तो बंधुओं प्रथमा अगर साहब की बात को आप सोचेंगे तो आपको लगेगा ये बहुत बड़े निंदक थे। निंदक नहीं, उन्होंने हर बात के पीछे तर्क देकर के बाद में कहा कि भाई कहत कबीर सुनो भाई साधो, हर बात के बाद कहा कहत कबीर सुनो भाई साधो। साधो क्या मतलब है? साधुओं नहीं बोला, यानी इस पर साधो सोधो, सोधने का मतलब है विचार करना, बीनना, स्पष्ट करना। साहेब की वाणी को लोगों ने अपने अपने हिसाब से बहुत ज्यादा तोड़ मरोड़ किया, पते की बातें कितनी है। आज मैं आज शुद्ध नाशिप ही पाई, मामा हवा कहाँ से आई, तब नहीं होत तुर्क और हिंदू, माया का रूत पिता का बिंदु, तब नहीं होत गाय कसाई, तब बिस्मिल्ला किन फरमाई। वो किसी को छोड़े नहीं है, कबरा खड़ा बाजार में, सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। अटपट वाणी कबीर की, अट निचली पट ऊपरी, झटपट लगे न कोई, जल्दी कोई नहीं समझ पा, जो कोई झटपट लगे ताकि दुबदा जाए खोए, तब नहीं होते गाय कसाई, बिस्मिल्लाह किन फरमाई। वो तो थे ही नहीं तब, तब नहीं होते कुल और जाति, दो जग विष्ट कवने उत्पाते, ये किसने पैदा किए। मन मसले की सुनना जानी, मत भुलान दुई दीन बगानी, दुई दीन हिंदू मुस्लिम भूले, हिंदू कहे राम राम, मुसलमान रहमाना, आपस में दोनों लड़े राम कोई ना जाना, दिल में खोजो दिल में खोजी, यही करीमा रामा। निसंदेह चौंकाने वाली बातें हैं, जब हम रहल ना कोई करे, जब मैं था तब कुछ कोई भी नहीं था। अरे आपके बरपस से ख्याल आएगा 14वीं शताब्दी के अंत में कबीर साहब आया, अब वो कह रहा है जब मैं था तब कोई भी नहीं था, हमारे माँ है रहल सब कोई, कह रहे सब मुझ में थे। कहो राम कवन तुर सेवा, सो समझा कहो मैं भेवा, फुर फुर कहो मार सबको ही, झूठ है झूठ संगति हुई। आंधर कहे सबे हम देखा, तहां दिठियार पैठ मुख देखा, जब दृश्य ही नहीं था तो क्या देखा फिर। कहे कबीर हंस मुस्काई, हमरे कह ले छूटल भाई, वाह कह रहे मेरे कहने से छूटोगे। ये सब बात की चीजें, भावार्थ यहां मेरे कहने का है
साहब ने एक अद्भुत रहस्य संसार को दिया। देखिए क्या बोल रहे हैं, ब्रह्मा गए ब्रह्म न जाना, बड़ सब गैल से रहल से आना। जितने बड़े बड़े बुद्धिमान थे गए लेकिन नहीं जाना, समझ ना पड़ल राम कहानी, निर्भक दूत की सर्वक पानी। रह गो पंथ थकित भव पवना, दसव दिशा उजार भव गौना। मीन जाल भव इस संसारा, लोहा के नाव पाषण है भारा। बोला ये पूरी संसार मछली की तरह और माया जाल है, उसमें सबको फंसा रही है। और यहाँ क्या है, पत्थर की नाव पर चढ़कर सब पार होना चाहते हैं। जब तक पूर्ण गुरु की प्राप्ति नहीं होगी संसार से नहीं पार हो सकते। जब उनकी वाणी आप सुनेंगे तो प्रथमया आपको अटपटी लगेगी, लेकिन अगर थोड़ा चिंतन करेंगे तो बिल्कुल सही लगेगी। मर गए ब्रह्मा काशी के वासी, जीव सहित मुए अविनाशी। मथुरा के मर गए कृष्ण कुवारा, मर मर गए दसों अवतारा। मर मर गए भगत जिन ठानी, सरगुण मैं जिन निर्गुण जानी। नाथ मंजन मच्छंदर छूटे नहीं, गोरख दत्त और व्यास कह कभी पुकार के। इस सब पड़े काल के हाथ, यह संसार काल है राजा, यहाँ सबका शिकार खेलता है मन और माया। इसलिए साहब कह रहे चल हंसा सतलोक छोड़े ये संसारा, यह संसार काल है राजा, यहाँ कर्म का जाल पसारा। निंदक नहीं थे, अगर थोड़ा विचार करके देखेंगे तो सब चले गए, फिर हम इसको लीला कहकर सर थोप देते हैं। मुझे एक वृत्तांत ध्यान में आया। मेरी बटालियन में एक हवलदार दुबे जी थे, उनको प्रमोशन नहीं ले पाए, पेंशन चले गए। मैं जेसीओ बना, थोड़ा ज्यादा सर्विस करनी पड़ी। जब मैं उनके 6-7 साल बाद रिटायर हुआ, उसके 15-20 साल बाद वो मुझे करीब 20 साल बाद मिले। मुझे कहा, मुझे पहचाना। अब 20 साल बाद आदमी की पेशानी और शरीर की कई चीजें चेंज हो जाती है। अरे 20 साल तो बहुत होता है, 5-6 साल बाद मैं गया था, 7-8 साल हुए होंगे घर, मेरे माँ बाप नहीं पहचान पाए। उनको भरोसा दिलाने में 4-5 दिन मुझे लग गए। पुरानी घटनाएं सुनाई। जब घर से निकला था, कम उम्र थी, कोमलता थी, दाढ़ी मूछ भी नहीं थी, और युवावस्था में आदमी प्रौढ़ हो जाता है। मैं बोला भाई जी मैं आपको नहीं पहचान पाया। बोला थोड़ा गौर से देखो। मैं बोला मैं आपको नहीं जान पाया। उसने कहा मैं हवलदार एमटी हवलदार दुबे हूँ। ओह अच्छा दुबे जी कैसे हो। उन्होंने मुझसे दीक्षा ली, अपनी पत्नी अपने परिवार को भी दीक्षा दिलाई। अपनी बहन से कहा चलो साहब के पास। बोला ना वो तो भैया हिंदू ही नहीं है, वो तो मानते ही नहीं किसी को। उन्होंने कहा कैसी बात कर रहे हो, मैं उनके साथ इतना समय रहा, 20-21 साल रहा, ऐसा कुछ नहीं है। बोला ना हम एक स्थान पर जाएंगे, वहां गुरु धारण करेंगे, वहां सब लोग जाते हैं, ठीक है। उसको थोड़ी प्रेत बाधा भी थी, उनकी बहनी नहीं मानी। ये बात मुझे उन्होंने खुद बताई, झूठी बात झूठा प्रसंग नहीं उठाता हूं।
वहां से गुरु धारण करके जब आई, दुबे जी ने पूछा, बहनी गुरु करके आई हो, कैसे हैं गुरु जी? उसने भैया कहा बताइए, अब गुरु तो हम धारण कर लिए है, बड़ी अटपटी बात बा। बोला उनका एक स्थान भी था, उन्होंने मुझे दीक्षा दी, काफी लोग उनके शिष्य हैं। मेरी जिज्ञासा हुई कि गुरु माँ को भी देखूं, गुरु की पत्नी को भी देखूं। मैं एक आध दिन रही वहां उस स्थान पर। बाद में जब मैं गुरु माता देखने के लिए वहां गई, ये दंतक कथा नहीं बता रहा हूं, जो हकीकत है, तो वहां गुरु जी स्त्री को मार रहे थे, बहुत बुरी तरह मार रहे थे, लात घूंसे मुक्के से। जब पूरा माजरा मैंने समझा तो बात यह थी, गुरु जी की दो बीबी थी, एक जो पुरानिया थी बेचारी वो बूढ़ी हो गई थी, अब जो नई थी वो युवा और सुंदर थी। कहीं गुरुजी को उसने शिकायत लगाई। अब मसला क्या था, वो नई वाली चाहती थी पुरानिया वाली भग जाए यहां से, और पुरानिया वाली चाहती थी कि नई वाली है हमारे, ये घर पति हमारे, लड़के बच्चे हमारी को है। मसला ये था, इसलिए अब वो मोह जाल में फंसा हुआ था नारी के सौंदर्य पर। उसने आव देखा न ताव, पूछा न जांचा, उस पुरनिया को लात घूंसे मुक्के से कूटने लगा। बोला भैया उसने खूनम खून कर दिया पुरनिया बीबी को, बस हम तो कान पकड़ कर दौड़ के आए हैं। ठीक है, आज ये ऐसी स्थितियां हैं। साहब ने कहा पानी पीजिए छान के, गुरु कीजिए जान के, जाका गुरु है आंध्रा चेला कहां को जाए, अंधा अंधे पेलिया दोनों को पड़ा। जब मैं ये बातें बोलता हूं तो लोग इसका, साहब बोले 60 लाख कंडियार पड़े नरक में जा रहा, 60 लाख गुरुआ लोग साहब बोल रहे हैं नरक में पड़े, अक्षर बिन करे गुरुआई पीढ़ी सहित नरक में जाई, और पेट के कारण करे गुरु, आज ये बिजनेस बन गई है, और ये ऐसी बिजनेस है जिसमें घाटा नहीं है, लागत नहीं है, फायदा ही फायदा है। ताते प्रथम परीक्षा कीजिए, ता पीछे गुरु दीक्षा लीजिए, जाका गुरु है आंध्रा चेला कहां को जाए, अंधा अंधे पेलिया दोनों को पड़ा। मेरी बात को हो सकता है आपको निंदा जैसी लग रही हो, पर निंदा सब कहे, निंदा न जाने को जैसे को तैसा कहे, सो भी निंदा न हो। गुरु परस है, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुण मिले तो भी सस्ता जान। आगे साहब कह रहे हैं वो अपना भृंग मता हो जय पासा, सोई गुरु सत्य धनदासा। एक पूर्ण गुरु आपके अंतःकरण में एक दिव्य चेतना जगाता है, इसलिए तो उसकी इतनी महिमा है। सात दीप नवखंड में घुरते बड़ा न कोई, करता करे न कर सके गुरु करे सोई। तो साहब ने इस संसार की असारता को दर्शाया अपनी वाणी में, आज के प्रवचन का मूल है, और वहां के आनंद का वर्णन किया। सदा अजोर होते हैं वहां घर, कबू न हो तो दासा संता, वह देश हमारो वासा। तो यह संसार काल है राजा, यहाँ कर्म का जाल पसारा, चल अनुसार सतलोक छोड़ो यह संसार। दरअसल ये आत्मा अनादि काल से एक सुख की तलाश कर रही है, और वो आनंद इस ब्रह्मांड में कहीं भी नहीं है। क्षमा चाहूंगा, कल पुनः मैं हाजिर हो जाऊंगा, आपका टाइम थोड़ा ज्यादा लिया साहब जी।